पैसा 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 हाय पैसा, कमाल कर दिया, जोड़ जोड़ के मर गया। सड़मुख जाए कुटुंब नहीं खाए, सड़ जाए तो सड़ जाए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बाहरी जिंदगी, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मर के सांप बन के बैठते हैं फिर कुंडली मार के, कुछ नहीं मिलता उनको जिंदगी। अरे मरने की बात तो छोड़ो, जीते जी सांप बने बैठे हैं। बेटे को नहीं देना, बहू को नहीं देना, उसको नहीं देना, धर तरह की जिंदगी, किसके पीछे जिंदगी लगाती है सोचना है। अपने ही घर में जो नहीं दे सकता वो मक्खी चूस समाज में क्या देगा, विचार सोचिएगा, कहां जोड़ करके ले जाएगा। भगवान को भजता है, पूजा करता है, ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है, दीन दुखी निविलो बिकलो में, क्या उसको पहचाना है, क्या उसको पहचाना है, राम सुमलता रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा, कृष्ण को भजता करम करे ना, भव भव गोते खाएगा। विचार करिए आप, करम करो कुछ अच्छे, लीन पर उपकार सो, जो दौलत है परोपकार में लगाओ, जितना भी कमाया है अपनी आजीविका को चलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, उसके बाद जो बचता है उसे परोपकार में खर्च कर देना चाहिए। ध्यान नहीं करते हैं, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय। मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में डला है, बाटल लगी है, नर्स खड़ी है इंजेक्शन पर इंजेक्शन। मुल्ला ने आवाज दी, मेरी बेगम कहां है? बेगम बोली, हुजूर यहीं खड़ी हूं। मेरा बड़ा बेटा कहां है? यहीं खड़ा हूं। छोटा कहां है? बोली यहीं दाएं तरफ खड़ा हूं। मंझला बेटा कहां है? सिरहाने खड़ा हूं। मुल्ला ने निकाली बाटल की सिरिंज, बोले पागलो सब यही हो तो दुकान पे कौन पड़ा है? ध्यान, मेरी चिंता मत करो, मैं तो मर जाऊंगा, जाओ दुकान खोलो जाकर के। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय। मुल्ला ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मैं मर गया तो कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने कहा, यार तो मरना खर्चे की पड़ी है। बोले यदि मैं ठीक हो गया तो कितना पैसा लगेगा? डॉक्टर ने कहा, ये मेरी फीस लगेगी, दवाइयां लगेंगी, फल फ्रूट ले रहे हो वो लगेगा, अस्पताल का किराया। अरे बोले टोटल बताओ। अब बोले टोटल के, अब तू कितने दिन नहीं मरता? बोले नहीं, हफ्ता भर में जिया तो क्या मतलब है? बोले ये 150,000 तो लग ही जाएंगे। बोले 150,000 नहीं, पक्का बताओ 50,000 धर्मपाल? बोले 1,00,000 रुपए। बोले 1,00,000। और बोले डॉक्टर यदि मैं मर गया तो कितना खर्च आएगा? बोले मर गए तो क्या आएगा, 100-200 रुपए की बांस आएंगे, सस्ता सा कोई कफन डाल देंगे तेरे ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए की लकड़ियां। बोले और क्या खर्च? बोले बस 2-3,000। मुल्ला ने कहा, भाड़ में जाए वो ठीक होना, मरना फायदे में, मुझे मार डालो, क्योंकि जीने में तो बहुत खर्चे हैं, मरने में फायदे हैं। वाहरी कृपण कंजूस आदमी मक्खी चूस। ये मक्खी चूसों की हालत बहुत खराब है, ऐसे कंजूस होते हैं, ध्यान रखना, सिर में तेल तक नहीं डालते रामदास। मैंने आजकल वैयावृत्ति में घी तेल लगवाना बंद कर दिया। कई ऐसे होते हैं कि मुझे लगाने आते और पोत पात के खुद पोत के चले जाते हैं, ऐसे मक्खी चूस। वो क्या कहें, महाराज का आशीर्वाद। अरे कटोरी ले जा, काय का आशीर्वाद बताओ।
ऐसे ऐसे कंजूस पैदा हुई इस धरती। मैंने कहा हटाओ यार ये लफड़ा, आज 18 साल हो गए मैंने कभी घी तेल नहीं लगवाया बदन पे भैया। मैंने कहा तुम तो सूखे ही दवा बेटा, तुम मुझे कम लगाओगे समाज का ज्यादा घर ले जाओगे। एक तो और ऐसे दादाजी हुए, एक लड़का तेल लगा के बैठा, दादाजी आए बोले और बेटा तेरे पापा कहाँ है, उसके सिर पे हाथ फेरा, उसने कहा घर पे है, बोला बोले नहीं 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 बुलाना नहीं, मेरा काम तो हो गया। उसका तेल पहुंचा और अपने सिर पे लगा। वाह आदमी, क्या होगी इनकी दशा इन कंजूस मक्खी चूसों की, विचार करिए। अपार दौलत लेकर बैठे हैं, दिल नहीं है, दिल इतना सा, छोटा सा दिल। एक गरीब का दिल बड़ा होता है, ध्यान रखना। तमाम ऊंचे दरख्तों से बच के चलता हूं, मुझे पता है साया किसी के पास नहीं। गरीब की झोपड़ी में सर छुपा सकते हो, अमीरों का तो कोई भी लिबास नहीं। ध्यान रखना, क्या करोगे इस दौलत, खुद ही नहीं भोग पाए, किस काम की वो अमीरी कि तुम्हें देखकर वो लगे ही ना कि तुम अमीर हो। किस काम की ऐसी दौलत, क्या काम की, सोचिए। अमीर लगना चाहिए। वो फकीर ही क्या जो दिल से अमीर ना हो, और वो अमीर ही क्या जो दिल का फकीर ना हो। तुम आसक्ति में जीते हो, हम संन्यास और अनासक्ति में जिया करते हैं। हम बंधते नहीं हैं, आप बांध लेते हैं। जो बंधता है वही आशुआ। मैं पिछली बार ग्वालियर में था, तुमने कभी देखा कि मैं कमरे में बैठ के रो रहा हूं, मेरे ग्वालियर के भक्त कहाँ गए, कब आओगे, बड़ी याद आ रही, प्लीज आ जाओ। कभी रोया नहीं, अपन तो ऐसी मस्त मौला जिंदगी है। ग्वालियर गए तो ग्वालियर के महाराज, और अजमेर गए तो अजमेर के महाराज, आगे जाएंगे तो निश्चल रहना, बहते जाना नदी जहां तक जाएगी, और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। ध्यान रखना, जन्म जन्म की हम बंजारे, बस्ती बांध न पाएगी, कोई बांध सका है संतों को, हवाओं को, नदी को, कोई बांध नहीं सकता मेरे भाई। संत तो निर्वाध घूमा, आप बंधे हैं, आपकी तो हालत खराब है। मेरे पास रहोगे तो घर याद आएगा, घर जाओगे तो महाराज याद आएंगे। करें क्या हम अपनी जिंदगी में, इधर कुआं उधर खाई, तकदीर में रोने ही रोना लिखा है, करें क्या। महाराज गए तो रोने लगे, महाराज के पास गए तो घर की याद में रोने लगे, अब चलते हैं महाराज का बोले घर वापिस। अरे तुमको तो हमारी याद आ रही थी ना, तुम तो हमें बहुत याद करते थे, अब क्यों वापिस। ध्यान रखना, घर का ना, मैं हल्की बात नहीं बोलता हूं, ध्यान रखिए। मैं इतने अच्छे गुणों का वर्णन अपने हाथ से मुंह से नहीं करता, आप स्वयं बताएं। ध्यान रखिए, मान्य क्या जिंदगी, उत्तम सोच लोभ परिहारी, लोभ की तासीर है वह इच्छाओं को आशाओं को बढ़ाता है, आश्वासन देता है, देता कुछ नहीं केवल आश्वासन, हाथ कुछ नहीं लगता है। एक व्यक्ति के मन में जाग गया कि सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, पागल है। किसकी हुई ये पृथ्वी, किसी की, रावण, कंस, सिकंदर। आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ। कितने अच्छे से बोल दिया, तुम्हारे भी खाली रहेंगे, कोई तुम सिकंदर के बाप नहीं हो, ध्यान रखना।